जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मौजूद हूँ अभी बागेश्वर धाम में और अभी इस वीडियो में जानकारी देंगे कि पूज्य सरकार कब धाम पर रहेंगे और कब नहीं रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी सामने श्री राम दरबार रहा और अभी कुछ लोग भभूति वितरण हो रही है, तो भभूति वितरण की लाइन में लगे हुए हैं। तो आप लोग सामने देख सकते हैं मंदिर का फ्रंट गेट रहा, मंदिर के फ्रंट गेट के जस्ट बगल में रहा श्री राम दरबार। यहीं पर जब भी रहते हैं सरकार, यहीं पर दर्शन देते हैं। सेकंड फ्लोर पर पूज्य सरकार रहते हैं और यहीं सीढ़ियों से नीचे उतर कर दर्शन देते हैं सभी को। तो अभी पूज्य सरकार गांधी धाम में श्रीमद् भागवत कथा वगैरह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उधर तो देख सकते हैं अभी धाम का दृश्य इस प्रकार दिखाई पड़ता है। शनिवार और मंगलवार को काफ़ी भीड़ रहती है बागेश्वर धाम में और अभी पूज्य सरकार धाम पर नहीं है। तो अभी पूज्य सरकार धाम पर कब आएंगे तो उसका जानकारी देते हैं। सबसे पहले 1 और 2 दिसंबर को दरबार नहीं लगे क्योंकि सरकार जाएंगे कुछ यात्रा पर 1-2 दिसंबर को, फिर आएंगे 3 और 3-4-5 को महादिव्य दरबार लगेगा बागेश्वर धाम में, फिर 2 दिन के लिए यात्रा पर चले जाएंगे। फिर जो पूज्य सरकार अब यह सिलेक्ट कर रहे हैं कि महीने में 15 दिन धाम पर रहेंगे और 15 दिन कथा वगैरह जो भी करेंगे तो 15 दिन बताएंगे धाम पर बालाजी की सेवा में। तो देख सकते हैं कुछ यहाँ पर नारियल वगैरह देख ही सकते हैं आप लोग, आप ज़्यादातर यहाँ पर नारियलों की संख्या ज़्यादा देख पाएंगे। देख लीजिए आप लोग पेड़ वगैरह पर सब पे ना आपको केवल और केवल नारियल ही नारियल मिलेंगे अर्जी वाले। तो देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अर्जी वगैरह लगाई गई है भक्तों की, काले पीले लाल नारियलों में जो बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई जाती है उनका प्रोसेस भी दिखाएंगे आगे वीडियो में। अब आपको सीधे ले चलते हैं मंदिर की तरफ, वहाँ पर बालाजी के दर्शन करवाएंगे साथ साथ में पूरा जानकारी देंगे, कवरेज करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो में हम आपको काफ़ी कुछ जानकारी देंगे। अभी धाम पर ही मौजूद हैं क्योंकि पूज्य सरकार आ जाएंगे तो आप लोगों को दर्शन वगैरह वीडियो वगैरह तो देनी पड़ेगी कमेंट में। तो अभी देख सकते हैं मंदिर के जस्ट बगल में आ चुके हैं, तो सबसे पहले आप लोग बालाजी के दर्शन कीजिए, फिर आप लोग कमेंट करके जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा क्योंकि बागेश्वर बालाजी का नारा कमेंट बॉक्स में दिखना ही दिखना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में श्री बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा। तो हम सामने देख सकते हैं दादा गुरु और जो श्री बागेश्वर महादेव का दर्शन है आप लोग कर लीजिए, मंदिर सामने रहा। तो ये इस समय हम ही बागेश्वर धाम में ही मौजूद हैं और अभी कथा वगैरह चल रही है गुरुदेव की, तो दूर दूर कथा है, कथाओं का वीडियो अभी नहीं आएगा, कथाओं का वीडियो आएगा तो हम आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अभी धाम का दिव्य दरबार वगैरह कवरेज करवाएँगे। 3 दिवसीय महादिव्य दरबार लगेगा, पूज्य सरकार आने वाले हैं 3 और 4 दिन के अंदर अंदर और फिर लगेगा महादिव्य दरबार। तो आप लोग जो भी भक्त आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जो भी भक्त आसपास के हैं और आ सकते हैं बड़े आसानी से। तो मैं आपको डेट बता दूंगा, 3-4-5 महादिव्य दरबार लगेगा और आगे नहीं आ गया क्योंकि ठंडी का मौसम है, कोई फ़ायदा नहीं है आने से। अभी जो भी दिव्य दरबार में आने वाले हैं जिनको पता नहीं है सरकार हैं या अभी नहीं है, तो पूज्य सरकार भी धाम पर नहीं है तो इसके चलते आप लोग देख सकते हैं। तो अभी ठंडी का मौसम है तो कृपया करके ना आए अभी बागेश्वर धाम में और दिव्य दरबार लगेगा। और जो भी पेशी वगैरह करने आते हैं तो वो तो आ सकते हैं क्योंकि जो केवल दरबार के लिए आना चाहते हैं तो वो अभी ना आए क्योंकि पूज्य सरकार धाम पर नहीं है। तो 3-4-5 को लगेगा महादिव्य दरबार, 3 और 4-5 को आ जाइएगा आप लोग, 2 तारीख को आ जाइएगा, 3 से लगेगा महादिव्य दरबार, तो आप लोग 1 दिन आगे आ जाइएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्य निरंतर जारी है, जो यज्ञशाला वगैरह है जो भी निर्माण चल रहा है आप इसका प्रांगण देख सकते हैं, मंदिर के चारों ओर का प्रांगण देख लीजिए। अर्जी वगैरह यहाँ पर भक्त लोग लगा रहे हैं, कुछ आज मंगलवार का पीसी भी है तो इसके चलते थोड़ा बहुत भीड़ है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भक्त अर्जी वगैरह बांध रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग अर्जी वगैरह का थोड़ा बहुत दिखा देते हैं हम आपको। लाल वाला अर्जी रहा, ये लोग कुछ ही अपनी अर्जी बांध सकते हैं जो मनोकामना, और ये रहा सफेद नारियल, ऐसे बच्चों वाला अर्जी बनता है जो बच्चे वगैरह लगाते हैं अर्जी, तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। और ये पीला काला बनता है प्रेत वाला वाला, तो प्रेत वाला वाला देख सकते हैं आप लोग, काले कलर में बांधना होता है इसको, और पीला जो जिनका शादी वगैरह नहीं रहा तो वो लोग बांधते हैं। देख सकते हैं आप लोग नारियल वगैरह बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं सामने इस प्रकार अर्जी वगैरह लगा रहे हैं सभी बच्चे, तो आप लोग भी देख सकते हैं नारियलों की संख्या बहुत ही बागेश्वर धाम में कुछ ज़्यादा ही रहती है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज वीडियो में आप लोग पूरा बने हुए हैं।
Thank you.